ये सर ऊपर जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वादा देख रहे हैं कि 6,055 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, लगभग 4% का लोअर सर्किल लग चुका है। रूपा जी देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, साल के आखिरी कारोबारी दिन हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में 4% का निचला सर्किट लगता नजर आ चुका है। लेकिन रूपा जी गौर करने वाली बात यह भी है कि सोयाबीन 6,000 के नीचे नहीं गई है, 6,000 के ऊपर ही है अभी भी। आपको क्या लगता है साल के आखिरी कारोबारी सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोयाबीन का बाजार कैसा रह सकता है और साल 2022 में सोयाबीन का बाजार कैसा रहेगा? देखिए, सोयाबीन एक ऐसी कॉमोडिटी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा उठा पटक देखने को मिली है 2021 के अंदर भी और अब 2022 में। जो उम्मीद है वो देखिए, कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। हमने पहले भी यही बोला था कि कीमतों में बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी भी जो तेजी बन रही थी वो ऐसा माना जा रहा था कि 6,300 से 6,500 मैक्सिमम अपसाइड पर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर जिससे ज्यादा भी तेजी पकड़ी तो 6,800 तक जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है और आज नीचे का सर्किट है 4% का और 6,000 का स्तर कभी भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर अब 6,000 का स्तर टूटता है तो 5,800 से 5,500 के आसपास के दायरे में कारोबार कर सकता है, और अगर नहीं टूटता ऊपर जाता है तो 6,200 से 6,500 के रेंज। तो आप ये मान के चलिए कि 1,000 पॉइंट के बीच में फिलहाल सोयाबीन का कारोबार एक्सपेक्टेड है और अगले साल में तेजी की उम्मीद नहीं है। बहुत ज्यादा तेजी अभी फिलहाल के सिनेरियो से बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर फंडामेंटल में चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली प्राइजेस के ऊपर उसका असर आएगा, लेकिन जो करंट सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि सोयाबीन ऊपर में 500 पॉइंट तो नीचे में भी 500 पॉइंट की गिरावट तक सीमित रह सकता है। जी, तो यानी कि आज जो निचले सर्किट देखने को मिले हैं उसके मद्देनजर सोयाबीन हो सकता है कि कुछ ट्रेडिंग सेशंस में थोड़ी और गिरावट के साथ कारोबार करती नजर आ जाए। एक रेंज में सोयाबीन देखने को मिलेगी, 500 पॉइंट के नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है, तो वही 500 पॉइंट की ऊपर की तेजी भी, यहाँ से करंट लेवल की बात करूँ मैं, करंट लेवल से देखने को मिल सकती है, ऐसा रूपा जी का मानना है। सोयाबीन में उनके अनुसार ज़्यादा तेजी की उम्मीद अभी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं या सरकार की ऐसी कोई नीति होती है तो हो सकता है कि सोयाबीन की कीमतों में थोड़ी बढ़त देखने को मिले, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी वाला रुझान देखने को मिल रहा है।